खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां रीवा मां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है बाण सागर नहर परियोजना। अपना पंचक बता दी कि रीवा जिला के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमगढ़वा में देर रात मिनी बाण सागर मेन कैनाल के नहर टूट गई है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी रीवा जिला के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमगढ़वा में देर रात मिनी बाणसागर मेन कैनाल के नहर टूट गए, जिसके कारण 6 कच्चे मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं 2 मकान ऐसा हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। रामगढ़वा ग्राम पंचायत में रात का मेन कैनाल के नहर टूट गया, जिसके कारण 3 घर गिर गए हैं। 2 घरों में घर जो है क्षतिग्रस्त हो बतावा जा लग है। जिनके घर गिरे हैं वो घर जो है वशोर परिवार के ही। यह पूरे हादसा में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पालतू जानवरन की मौत भई। बताया जा रहा है कि किसानन के खेतन में फसल ही जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिलहाल जानकारी मिलता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल के साथ SDM एवं अन्य आला अधिकारी मौके में पहुंचे हैं और समीक्षा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो है बाणसागर नहर में जो है या देखे का मिल रहा है कि कैनाल में भ्रष्टाचार कीनगा है और कहों न कहो जो ये नहर बनी है तो ये गुणवत्ता विहीन हो के चलते जगह जगह से टूटे के मामला सामने आवत है। मौका वारदात में खुद अधिकारी अफसर पहुँचे हैं, पूरे मामला की जाँच कर रहे हैं और उनके द्वारा यह आश्वासन देगा है कि जल्द से जल्द ये मत जे लोग हैं जे जिनका नुकसान भा है उनका राहत प्रदान की जाए। तो सुनी पूरा बयान अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का नाम माता राम? जल्दी दोबारा घर आया। क्या बजे घटना घटी रही है? पानी माने बिथरान रहा, अब जैसा बारिश तब है नहीं है, अब उलेधा का पानी घुस गया था, जब छल बलाने तब जाने पाए तब फिर हो गए निकल निकल बाहर भाग, बाहर माँ सब दाना पानी सब वही मना हो गया। शासन प्रशासन क्यों आवा रात के आए रहे, अभी ना पचे घर से वही था बाहर खटिया में चढ़े पानी ऊपर ऊपर जा है, अभी नहीं अधिकारी सड़क में रहे हैं। नुकसान का भाव नस्कान गेहूँ चाउर सब अब वही में आप देख ले चल के। हाँ भीज गया 10-12 बोरा। क्या नाम है अपना के? मुन्नी। क्या बजे घटना घटी रही है? अरे 1:30 बजे। 1:30 बजे? 1:30 बजे, 2 बजे। हम 1 बजे जा। का का नुकसान भा अपना के? इतना गल्ला पार्टी बनाई है सब, वही में सलाह किया है भैया कहाँ टार के लग जाए हीरा कहाँ टार आए पानी। एक जने बोला का नाम है अपना के? का नुकसान भा? चाउर गेहूँ राई पिसान चाउर जितना यहाँ सब है भर गया सोबत परे पानी को घर पूरे घर में पूरे घर। क्या बजे रात की घटना घटी? अरे 2:30 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक। 2 बजे के बात है। फिर एक बाद अपना पंचे का करें? का करें ना मनई बैठे गोहार मारत है कई हो कई का करी हो। शासन प्रशासन कितने बजे आवा? ओ 2 बजे आए हैं। 2 बजे कल नहर की जो घटना घटी थी वो कितने बजे घटी थी और क्या क्या नुकसान हुआ लोगों का? आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत रामगढ़वा के, बताइए। मुझे फोन के द्वारा जो है बसोर लोग फोन किए कि दादा जो है कैनाल टूट गई है। मैंने पूछा कि कौन सी कैनाल, छोटी वाली की बड़ी वाली? तो बताए बड़ी वाली। फिर कई लोगों का फोन बार बार कंटिन्यू आने लगा, फिर मैं उठा और जो है मौके स्थिति में पहुंचा, तो मौके स्थिति में तो उस समय नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेन डभौरा रीवा रोड में जो है ना बहुत सारा पानी भरा रहा लोगों के घर में, और बसोर कम से कम 250 के करीब बसोर बस्ती है तो वो सब बहुत प्रभावित हुए और 5-6 लोगों का जो है मकान धाराशाही हो गया, कच्चा मकान, और उनके जो पशुधन थे आपके सुअर और मुर्गी पालन में जो थोड़ा रखते हैं वो सब बह गए, लापता है, अभी तक कोई मिले नहीं है। प्रशासन का भी थोड़ा सा ठीक होगा सहयोग रहा बाद में, देर रात की घटना है इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यू फोन किसी से बात नहीं हो पाई, फिर माननीय विधायक जी द्वारा फिर जो है वह कराया गया कि बात हो गई है, सारा अमला फिर जो है 3:30 बजे करीब वहाँ मौके मुआने में पहुँच गया और अभी जो है रात का चल रहा है। मैम कल जो रात को बाणसागर की जो नहर टूट गई थी उस पर क्या कार्रवाई होगी मैडम, और आगे भी जो नहर है इस तरह की मतलब हर गांव में छोड़ने के बाद पानी मतलब टूटती रहती है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे मैम? जो रात में नहर टूटी है उसका पानी तत्काल रोक दिया गया था और जो प्रभावित परिवार हैं वो 5 परिवार हैं जिसमें से 3 घर टूटे हैं और एकांकी टूटे टूटा है,
इन सभी के राहत प्रखंड बना लिए गए हैं एवं तत्कालिक राहत के लिए उनको फूड पैकेट वितरित कराए गए हैं और सूखा राशन भी दिलाया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी फसल क्षति, पशु क्षति, इन सभी के लिए राहत के प्रखंड राहत राशि तत्काल उनको दिलाई जाएगी। जहाँ तक नहर टूटने का प्रश्न है तो WRD की टीम आ गई है और रिपेयरिंग का काम कर रही है और आगे ध्यान रखा जाएगा कि पानी तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि नहर का ऑब्जर्वेशन ना हो जाए। मैम आगे क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी मैडम, अगर जैसे कि मान लीजिए नहर पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उस पर ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई होगी मैम? यदि इसमें किसी का दोष पाया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और यदि आपदा प्रबंधन की टीम जो हमारी जिले की है जिसमें सभी विभाग सम्मिलित हैं, जिला प्रशासन में पुलिस, रिवेन्यू, WRD और सभी जो विभाग हैं वह लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, इस तरह की कोई भी घटना आगे ना हो इसका ध्यान रखा जाए। काप न संतान के सुख से वंचित है, अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।